सगी परिवार ना आंगणे कार्यक्रम सप्तमी रजू करता अमने खूब आनंद अनुभूति करेली छे। तो हूँ वैशाली हरीफ बोली अशोक पटेल जसानी साथे वी आर वन इवेंट सूरत गुजरात थी कार्यक्रम सप्तमी अंतर्गत आप सौनु अभिवादन करता आओ शांति थी सांभळीए सप्तमी ना सात वचन। सर्वप्रथम वर वचन अतिक्रमण माटे भगवान विष्णु तमे अन्न आपो कन्या वचन सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं तदहं तत्र प्रथमे सा प्रवीतिना। अर्थात हे पतिदेव तमारा दुखमां हूँ भागीदार बनीश तमे ज्यां पण जेवी रीते रहेशो हूँ सदैव तमारी साथे रहीश। वर वचन ओम द्वे ऊर्जे विष्णु स्वाहायतो। अर्थात आ बीजा पद ने ओळखवा माटे भगवान विष्णु तने शक्ति आपो अने एनी सामे कन्या वचन कुटुंब रक्षयिष्यामि आवृत्त बालकादिका अस्ति नास्ति च संतुष्टा द्वितीये सा प्रवेदिका। हे नाथ बाळको वृद्धो तेमज घरना तमाम लोकोने हूँ साचवीश अने घरनी वस्तुओथी संतुष्ट रहीश। वर वचन ओम श्रीराय स्पोषाय विष्णुस्त्वा नयतो। तृतीय पदना अतिक्रमण माटे भगवान विष्णु तने संपत्ति वधार नारी बनाओ। कन्या वचन तमने जो देव मानी ने तमारी भक्ति मां मग्न हूँ प्रिय वाणी की बोलनारी बनीश। वर वचन ओम चतुर्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतो। आ चौथा पदना अतिक्रमण माटे भगवान विष्णु तने सुखनी प्राप्ति करावे। कन्या वचन आये आता भविष्यामि सुख दुख विभागिनी तवाज्ञा पालयिष्यामि चतुर्थे अम्रवेदिना। हे नाथ तमारा दुखमा हूँ पण दुखी थईश सुख दुखमा आपणे भागीदार रहेशु तेमज तमारी आज्ञानु हूँ सदैव पालन करीश। वर वचन ओम पंच पशुभ्यो विष्णु स्वाहायतो। अर्थात आ पांचमा वदना अतिक्रमण माटे भगवान विष्णु तने पशु वृत्ति नो सुख आपे। कन्या वचन गुरु काले सुजिस्ताता इडिस्यापि त्वया सह नाहं वरदरव्याय पंचमे अप्रवेदिला। स्नान संध्या थी पवित्र थईने हूँ तमारी साथे सुख भोगविश हूँ पर पुरुष नो विचार नहीं करू। पर वचन ओ विष्णुस्त्वानयतो। अर्थात आ छठा वदना अतिक्रमण माटे भगवान विष्णु तने बधी छह ऋतुमां प्रसन्न राखे। वर वचन नी साथे कन्या वचन इहाय साक्षिको विष्णु रचत्वा पञ्चतारः उभयो प्रीतिरत्यक्त्वा सस्ते हम च प्रवेदिना। अर्थात हे देव तमने जो हूँ विष्णु भगवान की साक्षी में कहूँ छू कि तमने कदी ये छेतरीश नहीं अपनी एक मेक प्रत्ये की प्रीति सदैव बदती रहे तेवू हूँ वर्तन करीश। वर वचन ओ सगे सत्त पदा भव सामान अनुभदा भव
जीवन साथी ने પોતાના શ્રેષ્ઠ મિત્રોની યાદીમાં સર્વોપરિ રાખવાનો પ્રેમાળ પ્રયાસ પંચપદી એટલે પ્રેમ પ્રીતિ સાથે એકબીજાની ઈચ્છાને માન અને સન્માન આપવાની વાલી વૃત્તિ ષષ્ઠપદી એટલે સુખ અને દુઃખમાં એકબીજાનો સહિયારો આપતા રહેવાનો વડ માંગેલો આપેલો વાયદો અને સપ્તપદી એટલે લગ્ન જીવનના વૃક્ષને સ્નેહનું સિંચન કરતા રહેવાનું અપાતું વચન અને ઈશ્વર પાસે માંગી લીધેલું વરદાન એવી સપ્તપદી તો નવ પરિણિત બંને આ જોડાને અંતરના ઘણા બધા આશીર્વાદ આપીને આજે બતાવી લીધા।